एपिसोड की शुरुआत में एक लेडी दिखाई जाती है जो ताकीजावा की माँ थी। वो ताकीजावा के लिए शर्ट बना रही थी। तभी उसकी फ्रेंड आकर पूछती है, इस साल तुम फिर से उसके लिए शर्ट बना रही हो? ताकीजावा की माँ कहती है, हाँ, आई होप वो खुश हो जाएगा। वो मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आया, वो मुझसे नफरत करता है। दूसरी तरफ ताकीजावा को एक बार फिर ऑफिस में सनाडा डांट लगा रहा था और अपनी गलतियों का ब्लेम उसे कर रहा था। ये सब कुछ रैन देख रहा था। तभी रैन को उस फीमेल एम्प्लॉय आयुमी का मैसेज रिसीव होता है जो उससे कह रही थी, क्या तुम मीटिंग के बाद मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो? रैन उससे मिलने के लिए चला जाता है। आयुमी काफ़ी घबराई हुई सी लग रही थी। रैन पूछता है, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? तो आयुमी कहती है, तुम्हें याद है लास्ट वीक उत्सुमी सान जिन्होंने अचानक से हमारे ऑफिस को छोड़ दिया था? उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे रीज़न बताया कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। उसने ऑफिस छोड़ दिया क्योंकि सनाडा सान ने उसका सेक्सुअली असॉल्ट किया था। सनाडा सान ने उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाया ऐसा कहकर कि वो उसे कुछ एडवाइस देना चाहते हैं। जानबूझकर उसे अल्कोहल पिलाई गई और अगली सुबह जब उसे होश आया तो वो होटल में थी और ऑलरेडी उसके साथ बहुत कुछ गलत हो चुका था। वो घबराते हुए वहाँ से भाग रही थी तो वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई, इसलिए अब वो हॉस्पिटल में है। रैन को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उससे कहता है, क्या सनाडा के खिलाफ कोई प्रूफ इकट्ठा किया जा सकता है? आयुमी कहती है, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है और सेम कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हो चुका है। मैं भी उनके टारगेट बन चुकी हूँ। उन्होंने मुझे भी सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश की थी। रैन कहता है, आपने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं की? आयुमी कहती है, मैंने रिपोर्ट करने की कोशिश की थी पर सारी बातें कवर कर ली गईं और मुझे हर चीज़ के लिए ब्लेम कर दिया गया। रैन कहता है, आप फिर भी इस कंपनी में क्यों काम कर रही हैं? आयुमी कहती है, क्योंकि मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती और अगर मैं सनाडा सान के खिलाफ कोई फाइल भी कंप्लेंट करती तब भी कुछ नहीं होता। मुझसे बार बार क्वेश्चंस किए जाते जो मुझे ही तकलीफ पहुंचाते। खैर, ये सब कुछ तो एक्सक्यूजेस हैं, सच तो ये है कि मुझ में लड़ने की हिम्मत नहीं थी। पर वो काफ़ी पुरानी बात है, अब तुम हो ऑफिस में जिस पर मैं विश्वास कर सकती हूँ, तुम मदद करोगे ना? रैन कहता है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये सब कुछ बताया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की। उस दिन घर जाने के बाद रैन काफ़ी टेंस्ड था, उसने ताकीजावा से कोई बात नहीं की थी। ताकीजावा उससे पूछता है, सब कुछ ठीक है ना, तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो? तो रैन कहता है, हाँ सब कुछ ठीक है, बस ऐसे ही काम में मैं थोड़ा बिजी हो गया था। तो आज हम डिनर के लिए क्या खाएं? ताकीजावा कहता है, मैं डिनर बना कर लाता हूँ, तुम अपना काम करो। रैन अपने काम में लग जाता है पर सनाडा के बारे में सोच सोच कर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उन पुराने एम्प्लॉय से भी मिलने के लिए जाता है जो पहले ही सनाडा की वजह से ऑफिस छोड़कर जा चुका था। वो रैन से कहते हैं, मैंने सनाडा को निकालने की पूरी कोशिश की थी पर सारी नाकाम रही क्योंकि प्रेसिडेंट उसके साथ थे। प्रेसिडेंट ने कभी उसके खिलाफ कुछ नहीं सुना, जिस वजह से डरकर विक्टिम्स भी सनाडा के खिलाफ कुछ नहीं कह पाते थे। लेकिन अब तुम हो ऑफिस में तो तुम्हें उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करना होगा। एक साल बाद जब विक्टिम ने खुद तुमसे आकर सारी बातें कही हैं तो तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई प्रूफ मिल जाएगा। रैन जब वहाँ से जाने लगता है तो वो उससे पूछता है, ताकीजावा अब कैसा है? रैन कहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा, ताकीजावा मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं जब भी उसके साथ होता हूँ मुझे बहुत लाइट फील होता है। वहाँ से लौटते वक्त रैन अपने एक दोस्त से बात कर रहा था जिनसे वो लॉयर का इंतज़ाम करवा सके। उसका फ्रेंड कहता है, तुम्हें लॉयर की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या तुम्हारी कंपनी में तुम पर चार्जेस लगा दिए हैं क्या? रैन कहता है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी कंपनी में एक वुमन है जो किसी की विक्टिम बन गई है, मुझे उसको सपोर्ट करना है। उसका फ्रेंड कहता है, ठीक है, मैं एक लॉयर को जानता हूँ जो शायद तुम्हारी मदद कर सकेंगे। रैन कहता है, थैंक यू सो मच। तभी उसका फ्रेंड यागामी उससे पूछता है, तो उस लड़के के साथ तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा है? दोनों में अच्छी बन रही है या नहीं? रैन कहता है, तुम भी ना, ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं चल रहा, सब कुछ नॉर्मल ही है। यागामी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करता हूँ। तभी यागामी बैठा सोचने लगता है उस बात को, कब 10 साल बीत गए पता ही नहीं चला। आज भी मुझे याद है, फ्रांस की उस बोर्डिंग आर्ट स्कूल में एक जापानीज स्टूडेंट का ट्रांसफ़र हुआ था। वो जापानीज लड़का किसी से भी बात नहीं करता था, उसे देखकर कोई उसे अप्रोच भी नहीं करता था, वो हमेशा अकेला रहता था। कई बार मैंने उसे फ़ोन कॉल करते हुए देखा था पर वो केवल फ़ोन कॉल किया करता था, फ़ोन पर उसे कभी बात करते हुए नहीं देखा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, एक दिन यागामी रैन के पास आकर कहता है, तुम जापानीज हो ना? मैं भी जापानीज हूँ, मेरा नाम यागामी है।
रैन उससे कोई बात नहीं करता और वहां से बाहर चला जाता है। पर यागामी ने फिर भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ा था। एक दिन रैन को फ्रेंच स्टूडेंट्स ने मिलकर बहुत मारा था, उसे बुली किया था क्योंकि उसे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती थी। यागामी जब उसकी चोट देखता है तो उसके पास आकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? ये सब कुछ किसने किया? रैन कहता है, शायद कुछ स्टूडेंट्स ने। यागामी कहता है, चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। पर रैन कहता है, नहीं, मुझे हॉस्पिटल से नफरत है। उस दिन से रैन उससे बात करने लगा था। यागामी उससे पूछता है, तुम यहाँ इस स्कूल में क्यों आए? तुम्हें यहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती। हमें ज़िंदगी एक ही बार मिलती है रैन, तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से जियो। ऐसे शांत रहने से कुछ नहीं होगा। क्या तुम्हारी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम करना चाहते हो? रैन उसे जवाब देता है, मैं एक फ़ोन कॉल करना चाहता हूँ। यागामी उससे पूछता है, क्या तुम मेरा फ़ोन लेना चाहोगे? रैन कहता है, नहीं, क्योंकि फिर फ़ोन नंबर तुम्हारे फ़ोन में आ जाएगा। रैन जिसको भी फ़ोन मिला रहा था वो हर बार नॉट इन सर्विस आता था। रैन हार मानकर सोचने लगता है, मुझे ताकीज़ावा के बारे में सिर्फ एक ही इंसान से पता चल सकता था और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। काश मुझे बस एक बार एक वॉइस मेल मिल जाए जिसमें मुझे पता चल जाए कि ताकीज़ावा बिल्कुल ठीक है और खुश है। बस मुझे इतना ही चाहिए। और आखिरकार एक दिन जब रैन फ़ोन ट्राई करता है तो हीदे का नंबर लग जाता है। हीदे उससे कहता है, रैन तुम कहाँ हो? अचानक से तुम स्कूल से कैसे गायब हो गए? तुमने कहाँ ट्रांसफ़र ले लिया है? ताकीज़ावा भी जब हॉस्पिटल से वापस आया था तो वो अमेरिका चला गया। रैन पूछता है, ताकीज़ावा अमेरिका चला गया? हीदे कहता है, हाँ, जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर आया था उसे अमेरिका भेज दिया गया था। और तब से ही तुम दोनों के बारे में बहुत अजीब सी अफवाहें हैं जो पूरे स्कूल में फैली हुई हैं। रैन फ़ोन कट कर देता है और सोचने लगता है, थैंक गॉड, ताकीज़ावा एकदम ठीक है। यागामी उसे गले लगा लेता है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और रैन सोचने लगता है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात यही थी कि ताकीज़ावा बिल्कुल ठीक था। और फिर एक दिन मैं एक बार फिर उससे टोक्यो में मिला। वो मेरी ही कंपनी में आने वाला था। जब मैंने उसका CV देखा था, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरे लिए ये सब कुछ एक चमत्कार की तरह था और मैं नहीं चाहता कि ये चमत्कार कभी भी ख़त्म हो, चाहे मैं उसका फ्रेंड विद बेनिफिट्स बनकर ही क्यों ना रहूं। पर मैं नहीं चाहता कि वो मेरी ज़िंदगी से दूर चला जाए। अगली सुबह संडे मॉर्निंग थी। ताकीज़ावा रैन से पूछता है, आज तो संडे है, आज भी तुम्हें काम पर जाना है? रैन कहता है, हाँ, पर मैं थोड़े ही टाइम में आ जाऊँगा। पर मैंने अपने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए, अब मैं क्या पहन कर जाऊँ? ताकीज़ावा कहता है, ऐसा है क्या, तुम मेरे कुछ कपड़े ले सकते हो? रैन कहता है, नहीं, तुम सूट पहनते हो, मैं सूट नहीं पहन पाऊँगा, वरना सब लोग मुझे देखकर कहेंगे कि इसे आज क्या हो गया है। तभी ताकीज़ावा उसे अपनी एक नई की नई शर्ट निकाल कर देता है। रैन कहता है, ये तो बहुत महंगी लग रही है। ताकीज़ावा कहता है, ये ब्रांड न्यू है, पर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम आज इसे ही पहन कर चले जाओ। ताकीज़ावा खुद उसे वो शर्ट पहनाने लगता है और उससे कहता है, तुम कितने बजे तक वापस आ जाओगे? मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाकर रखूँगा। रैन कहता है, ठीक है, मैं डिनर टाइम तक आ जाऊँगा। ताकीज़ावा पूछता है, डिनर में तुम क्या खाना चाहोगे? रैन कहता है, नूडल्स। ताकीज़ावा कहता है, पर मैं तो सोच रहा था कि मैं तुम्हारे लिए क्रीम पास्ता बनाऊँगा। रैन कहता है, ठीक है, मैं वो भी खा लूँगा। ताकीज़ावा उसकी नेक पर किस करता है और उससे कहता है, तुम इस शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हो। रैन कहता है, मजाक मत करो। ताकीज़ावा उसे हक करते हुए कहता है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। रैन आयुमी से मिलने के लिए पहुँच जाता है जिससे वो उस लड़की के केस से रिलेटेड बातें कर सके और उसे लॉयर के बारे में समझा सके। जैसे ही रैन वहाँ से बाहर आता है, उसका सामना ताकीज़ावा की माँ से हो जाता है, जिन्होंने उसे थप्पड़ मारा था और उसे हमेशा के लिए ताकीज़ावा की ज़िंदगी से दूर जाने के लिए कहा था। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना BL ड्रामा लवर्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।